सिंध में आठवीं जमात तक के बच्चों के स्कूल 15 रोज के लिए बंद करने की तजवीज सामने आई है। ताहम कमेटी के कुछ अरकान ने तमाम स्कूल बंद करने की मुखालिफत की। नुमाइंदा प्राइवेट स्कूल्स ने एतराज किया कि मार्केटें खुली हैं तो स्कूल क्यों बंद किए जाएं। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि कमेटी में सामने आने वाली तजावीज को NCOC में पेश करेंगे। इनकी स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने गैर रस्मी गुफ्तगू में बताया कि स्कूल्स बंद करने या ना करने की दो मुख्तलिफ तजावीज सामने आई हैं। स्टीयरिंग कमेटी की तजावीज को NCOC में पेश किया जाएगा। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। महकमा तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में वज़ीर तालीम सईद गनी ने गैर रस्मी गुफ्तगू में बताया कि स्कूल्स बंद करने या ना करने की दो मुख्तलिफ तजावीज सामने आई हैं। स्टीयरिंग कमेटी की तजावीज को NCOC में पेश किया जाएगा। स्टीयरिंग कमेटी में स्कूल्स की रमजान टाइमिंग के हवाले से कोई तजवीज़ नहीं आई। सिंध में कोरोना के हवाले से सूरत हाल फिलहाल कंट्रोल में है, वज़ीर तालीम सिंध का ये कहना था। आपकी राय क्या है, कोरोना वायरस के केसेस बढ़ चुके हैं, इसकी वजह से तालीमी इदारे बंद होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ बंद होने चाहिए, कॉलेजेस और स्कूल्स बंद होने चाहिए या प्राइमरी स्कूल्स बंद होने चाहिए, आपकी राय क्या है या बंद नहीं होने चाहिए, तो आपकी जो भी राय वो आप कमेंट के अंदर ज़रूर दें ताकि हमें पता चल सके कि आप क्या चाहते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट करें लाजमी तौर पर, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि तमाम दोस्तों को व्हाट्सएप पर फेसबुक पर शेयर कर दें ताकि उनको भी ये लेटेस्ट और कंफर्म अपडेट पता चल सके।